फ्रेंड्स, मैं हूं अनुसार सिजारेजा। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मोबाइल के लिए टच पेन कैसे बनाते हैं। आपने शायद देखा होगा कि किसी मोबाइल में वो टच पेन आती है, शायद आपको भी वो टच पेन चाहिए, तो वो मार्केट में शायद ज्यादा दाम में बिकती होंगी। तो आप घर पे ही सिर्फ 2 या 3 मिनट में वो पेन बना सकते हैं। तो आज मैं दिखाता हूँ कि वो टच पेन कैसे बनती है और कैसे वर्क करती है। तो चलिए हम देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो पेन कैसे बनाते हैं। वो इस पेन को बनाने के लिए आपको चाहिए एक पेन, सिंपल सा पेन, एक एल्यूमिनियम फॉइल का रोल और एक मोबाइल स्मार्टफोन। तो पेन बनाने के लिए हमको चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं एक पेन। इस पेन को देखते हैं कि चलती है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ये नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, ठीक है। एक और बार देखते हैं कि चल तो नहीं रही, नहीं ये नहीं चल रही है। तो हम बनाते हैं पेन। सब पहले इस पेन को लेंगे, बाद में एल्यूमिनियम फॉइल का एक छोटा सा पीस करेंगे। इस पीस को और दो भाग में डिवाइड करेंगे। तो हम पहले इस पेन पर लपेटेंगे, बाद में इसे मुड़ देंगे और फिर से एक और पीस लेंगे, उसको कुछ इस तरह से रखेंगे और वहाँ पर फिर से इसको लपेटेंगे। अब हमारी पेन रेडी है। तो हम देखते हैं ये पेन चलती है या नहीं। देखा, ये लॉक खुल गया। हम यूट्यूब करके देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये पेन इजीली वर्क कर रही है। इस आपको ज़्यादा कीमत नहीं देनी है, सिर्फ घर पे ही आप ये पेन बना सकते हैं। तो अब देखिए, ये पेन इजीली वर्क कर रही है। तो आप घर पे ही सिर्फ 2 या 3 मिनट में ये पेन बना सकते हैं। तो देखा फ्रेंड कि ये पेन कैसे वर्क करती है, और आप घर पे ही बना सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।